देखो, इलेक्ट्रॉन थ्योरी मैग्नेटिज्म ये एक्सप्लेन करती है कि फेरो या पैरा का एटम मैग्नेट क्यों है और डायमैग्नेटिक का एटम मैग्नेट क्यों नहीं है। कोई कहता है जी भगवान ने बनाया जी इसलिए। भाई भगवान ने तो बनाया है, वो तो नेचर है, पर ऐसा अंदर क्या हुआ कि क्या साइंस का रीजन है कि वो मैग्नेट डायमैग्नेटिक के मैग्नेट क्यों नहीं एक्ट करते और फेरो के मैग्नेट की तरह एटम एक्ट क्यों करते हैं। तो इसका रीजन देखो, इसका रीजन समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी समझनी है। रूल नंबर वन, जब भी एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर घूमेगा तो वो डायपोल मोमेंट जनरेट करता है। हमने किया भी था, कैपिटल एम इज ईवी आर बाई टू किया था, ठीक। तो यानी कि एटम एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। अब इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी दो मोशंस होती हैं। पहली मोशन क्या होती है? ऑर्बिटल मोशन। और दूसरी मोशन क्या होती है? स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन अगर क्लॉकवाइज है तो स्पिन मोशन उसकी एंटी क्लॉकवाइज होती है, ऑपोजिट इन डायरेक्शंस होती है। तो ये दो डायग्राम नहीं है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ना, ये डायग्राम तो एक ही है, उसी इलेक्ट्रॉन का है। एक्चुअल में फिगर ऐसी है, ये ऐसी है। ऑर्बिटल मोशन अगर क्लॉकवाइज है तो स्पिन मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा समझा रहा हूं। तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से डायपोल मोमेंट जनरेट होता है, मान लो नीचे। स्पिन मोशन से डायपोल मोमेंट जनरेट होता है ऊपर, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है ऊपर। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर ये बने ही ऐसे होते हैं कि ऑर्बिटल और स्पिन मोशन जो कैपिटल एम जनरेट करते हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर आता है, और कैपिटल एम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपस में क्या कर जाती हैं ये कैंसल। तो ऑर्बिटल का और स्पिन मोशन का कैपिटल एम कैंसल होता है, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या आता है? जीरो। इसलिए इनके एटम मैग्नेट की तरह काम नहीं करते। लेकिन अगर यही इफेक्ट पैरा के अंदर आएगा, पैरा का ऑर्बिटल और स्पिन मोशन कैपिटल एम जनरेट करते हैं, मान लो एक जनरेट करता है 10 और एक जनरेट करता है 8, तो 10 में से 8 क्या क्या आया? 2, तो कुछ तो डायपोल मोमेंट होगा इसमें। लेकिन अगर आयरन की बात करते हो जो कि फेरो है, तो ये 10 ये जनरेट होगा 3, तो डिफरेंस क्या आएगा? 7। इफेक्ट ज्यादा आएगा, जितना बड़ा कैपिटल एम होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह वो काम करेगा एटम। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ये नेचुरल प्रोसेस है जो स्टडी किया गया। अब एक चीज और इसको डिस्कस करते हैं कि फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का कैपिटल एम आपस कैंसिल होता है, तो ये मानना पड़ेगा कि उनका एटम मैग्नेट नहीं है। पर जब हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं फिर वो मैग्नेट कैसे हो जाते हैं? तो चलो, जब हम उन्हें एक्सटर्नल कैपिटल बी में रखते हैं, तो ये कैपिटल बी मैंने कहां अप्लाई किया? नीचे। तो जब मैंने उन्हें कैपिटल बी नीचे अप्लाई किया तो चार्ज जो है is moving in what? Charge is moving in magnetic field. It will experience a force. अब वो force experience करेगा, कैसे करेगा? ये देखो, तो एक charge जो है, मान लो electron ऐसे जा रहा है, और B vector कैसे है? नीचे है। तो Fleming के left hand rule से B नीचे है, electron की तरफ तो central finger होती नहीं, positive charge की तरफ होती है, तो electron ऐसे जा रहा है, तो positive ऐसे जा रहा होगा, तो force experience कहाँ होगी? बाहर, outward। तो इसकी वजह से अगर फोर्स आउटवर्ड है तो स्पिन मोशन की वजह से फोर्स कहां होगी? इनवर्ड। एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो एक आउटवर्ड है और एक इनवर्ड है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगी इलेक्ट्रॉन के पास, तभी वो सर्कल में घूम रहे। आपकी मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल के ऑपोजिट है, सेंट्रीपिटल को कम कर देती है। जब ये सेंट्रीपिटल को कम करेगी तो इसकी घूमने की वेलोसिटी कम हो जाएगी, mv स्क्वायर बाय r में f कम होगा तो v कम होगा। वेलोसिटी कम होगी तो कैपिटल m भी कम होगा, क्योंकि कैपिटल m क्या होता है? ev r बाय 2। कैपिटल m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, वेलोसिटी कम हुई तो कैपिटल m भी कम हो गया। लेकिन उल्टा इफेक्ट यहां देखा गया, यहां पर आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वह टूवर्ड सेंटर हो गई, सेंट्रीपिटल में एडिशन हो गया, जिससे कि सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गई, जिससे कि वेलोसिटी बढ़ गई, जिससे कि कैपिटल एम बढ़ गया। तो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन में जब कैपिटल बी अप्लाई किया गया तो कैपिटल एम में चेंज देखा गया, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आंसर जीरो नहीं आएगा, कुछ तो आएगा। कुछ तो आने का मतलब दे विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। इसलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जब मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, पहले नहीं कर रहे थे। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉन की थ्योरी है, जिससे कि ये प्रूव होता है
कि कब मैग्नेट की तरह काम करते हैं और कब नहीं करते। क्लियर है यहाँ तक?